भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में रेत घाट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री निवास की ओर जाकर घेराव किया। विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं खराब होने से प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अस्पतालों में रखे मृतकों के शव को चूहे कुतर रहे हैं। स्ट्रेचर पर रखे शव कंकाल बन गए हैं। और मसूद ने यह भी कहा कि विधानसभा में कोरोना पर कोई चर्चा नहीं करी गई। कोरोना महामारी लॉकडाउन के बाद प्रदेश का यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, वो एक बहुत तकलीफ की बात है। और शिवराज सिंह चौहान बराबर चुनाव में लगे, और मैं बराबर कह रहा हूँ, अस्पतालों की हालत खराब है। डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। कोरोना के नाम पे हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट, दीगर पेशेंटों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी केवल, हमने ये चाहता, आज हम सड़कों पे नहीं उतरते, हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। मैं चाहता था कि कोरोना पे विधानसभा में चर्चा हो, लेकिन कोरोना की चर्चा विधानसभा में नहीं करी, विधानसभा चंद घंटों में स्थगित कर दी, तो मजबूर होकर आज उनके बगले का घेराव करने जाना पड़ रहा है कि पहले चुनाव से पहले मरीजों का ख्याल करो, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।